हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनल स्पाइस वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रोज़न डिलाइट, जो कि एक फ्रोज़न पुडिंग है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। इस पुडिंग को बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो चीज़ें हमारे घर में रखी हुई हैं, हम उसी से इसको और बहुत ही जल्दी हम इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए कुछ फ्रूट्स। आपकी चॉइस के फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो आपके पास में अवेलेबल है। मेरे पास में ये थोड़े टिन फ्रूट्स थे, थोड़े फ्रेश फ्रूट्स थे। आप देख रहे हैं मैंने फ्रेश फ्रूट्स भी काटे हैं और थोड़े मैंने टिन फ्रूट्स लिए हैं जो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो मैं उनको यूज़ करना चाह रही थी। ये आइसक्रीम हमने लिया है, मेरे पास में 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम रखी हुई थी, जो बच्चे जनरली खा के थोड़ा थोड़ा अपने पैकेट्स में छोड़ देते हैं आइसक्रीम, तो उस फिर हमको लगता है कि उसका हम क्या करें। तो इस आइसक्रीम को आप इजीली इस पुडिंग में यूज कर सकते हैं। एक मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं डार्क फैंटेसी बिस्किट्स के, जिसके अंदर में क्रीम भी होती है। आप इसको विद क्रीम वाले भी ले सकते हैं, आप चाहें तो विदाउट क्रीम जो आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स आपके इसमें चल जाएंगे। एक हमने कंटेनर लिया है स्क्वायर, जिसके अंदर के हम इस पुडिंग को सेट करेंगे। और थोड़ा हमने पानी लिया है, आइसक्रीम को यूज़ करने के लिए हमको इस पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम इसको आगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इन बिस्किट्स को हमने एक जिप पाउच में डाल दिया है। एक पैकेट बिस्किट मैंने इसके अंदर डाला है और इसको डालने के बाद में हम इसको क्रश कर लेंगे। पर हमको इसको बहुत बारीक क्रश नहीं करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए थोड़ा मोटा मोटा चूरा कर लेंगे इसका। और क्रीम के साथ ही आप इसका चूरा कर लीजिए, क्रीम को निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसका हम चूरा करके और अपना बेस बनाएंगे पुडिंग का। पुडिंग का बेस बनाने के लिए हमको इसको बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आपके सामने मैंने इसको चूरा कर लिया है। ये बहुत बारीक नहीं चाहिए हमको, थोड़ा मोटा, थोड़ा वो मुँह में आएगा तो हमको अच्छा लगेगा और हमको केक वाली फील देगा। तो ये एक तरीके से हमारा केक बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए हमने इसको पूरा चूरा कर लिया है और चूरा करके ये देखिए ये इस तरीके से हमारा केक बनके रेडी हो गया। इसको आप केक बोल सकते हैं कि ये केक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का लगता है। ये थोड़ा दरदरा टाइप का हमने इसको पीस लिया है। थोड़े मोटे टुकड़े भी हैं इसके अंदर, थोड़े बारीक टुकड़े भी हैं। पर ये जो चॉकलेट बिस्किट का जो क्रस्ट होता है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और थोड़ा मुंह में आए तो और भी अच्छा लगता है। तो आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इस चॉकलेट क्रस्ट की जो लेयर है वो हम एक नीचे में इसके लगा देंगे, जो हमारा बेस है जो हमने पुडिंग के लिए लिया है उसके अंदर हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। पूरा अच्छे से इसको करके उसके अंदर में हमको फैला लेना है। ये देखिए उसको अच्छे से दबा के आप उसके अंदर में डाल लें। कोई ज़रूरी नहीं है वो थोड़ा खुला खुला रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। जब उसके ऊपर आइसक्रीम आएगी तो वो उसको अच्छी बाइंडिंग दे देगी। मैंने 2 पैकेट बिस्किट का चूरा करा है इस पुडिंग के लिए। ये देखिए ये तकरीबन एक पैकेट मेरा ये नीचे की लेयर में चला गया है और एक पैकेट हमारा ऊपर की लेयर में आएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा मेरा इसका ये लेयर बन के रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर में लगाएंगे आइसक्रीम। ये हमारी लेयर बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर में आइसक्रीम डालना शुरू करेंगे। मैंने 3 फ्लेवर का आइसक्रीम लिया है। आप चाहें तो आप सिर्फ एक ही फ्लेवर का आइसक्रीम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 फ्लेवर का आइसक्रीम ले। देखिए जल्दी जल्दी इसको काट के आप आइसक्रीम को इसके ऊपर डालना शुरू करिए, इससे पहले कि आइसक्रीम मेल्ट होनी शुरू हो जाए। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसको मिक्स करके भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फिर हर तरफ से फ्लेवर आता है। ज़्यादा उसको प्रेस मत करिए, नहीं तो नीचे से आपकी उसकी लेयर जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो लेयर को हमें ख़राब नहीं करना है, इसलिए आप उसको मिक्स मत करिए। देखिए आइसक्रीम को मैंने इस पे अच्छे से फैला दिया है। इसको आप फैलाने के लिए जब आप ठंडी आइसक्रीम डालते हैं तो आप देखिए मैंने जो पानी लिया था वो इसी के लिए लिया था। आप चम्मच को थोड़ा पानी में भिगाएं और इसको फटाफट से ये फैलाएं, तब ये आराम से फैल जाएगी आइसक्रीम, इसको फैलाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसके अंदर में डालें थोड़े फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आप लेना चाहते हैं आपकी चॉइस के ऊपर है। आप जो भी फ्रूट आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो फ्रूट्स यूज़ करिए। मैंने लिया है मैंगो और मैंने लिया है थोड़ा सा टिन फ्रूट, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मिक्स फ्रूट्स हैं।
उसमें चेरी भी है, उसमें पपीता भी है, उसके अंदर में पाइनएप्पल भी है, सारे जितने भी टिन फ्रूट्स में जो जो फ्रूट्स होते हैं अवेलेबल, वो आप वो सारे फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। दिस इज एंटायरली योर चॉइस, आपको जो पसंद है आप वो इसमें वो वाले फ्रूट्स आप इसमें डालिए। थोड़े अंगूर भी मैंने डाले हैं। ये सब डालने के बाद में फिर से हम एक लेयर इसके ऊपर में अपने केक की लगाएंगे, हाँ जी हाँ बिस्किट्स की लगाएंगे। वो लेयर लगाने के बाद में फिर हम बाकी की हमारी आइसक्रीम इसके ऊपर पोर करेंगे और बाकी के फ्रूट्स डाल के इसको डेकोरेट करेंगे। जो बिस्किट्स हमने क्रश करके रखे थे वो अब हम इसके ऊपर डालना शुरू करेंगे। जिसमें से कि थोड़े मोटे बिस्किट्स भी रहेंगे, थोड़े बारीक भी रहेंगे, और उनको दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुला खुला डालिए, क्योंकि अगर आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो जो बिस्किट्स हैं वो उस जाके क्रीम के साथ में मिल जाएंगे, आइसक्रीम के साथ में मिल जाएंगे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एक लेयर क्रिएट करनी है इसकी, सो इसलिए हम इसके ऊपर में सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बिस्किट्स डालेंगे और एक बिस्किट की लेयर बनाएंगे। ये देखिए हमारे बिस्किट का लेयर पूरा बनकर रेडी है। अच्छे से हमने बिस्किट्स अपने स्प्रेड कर दिए हैं इसके ऊपर में, कोई कॉर्नर हमने इसमें छोड़ा नहीं है, सबको अच्छी तरीके से हमने पूरा स्प्रेड कर दिया। इसको अभी हम लोग हल्के हल्के हाथ से पूरा जहाँ जहाँ पर अगर नहीं आया है वहाँ पर उसको पूरा फैला देंगे। ये एक हमारी बिस्किट की अच्छी सी लेयर बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें अपनी बाकी बची हुई आइसक्रीम पोर करनी स्टार्ट करेंगे। जो हमने हमारी जो बची हुई आइसक्रीम है अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आइसक्रीम पे हमको जोर नहीं डालना है, उसको हमको धीरे धीरे उसके ऊपर में स्प्रेड करना है और गीले चम्मच से आप उसको फैलाते जाइए। ये देखिए गीला चम्मच मैंने लिया है और ये देखिए गीला चम्मच लगाते ही आइसक्रीम कितने अच्छे से इसमें फैल रही है। इसके ऊपर में धीरे धीरे आइसक्रीम डालते जाइए और आइसक्रीम की लेयर लगाते जाइए। ये देखिए पूरा इसको अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर में अपने फ्रूट्स डालेंगे जो कि हमने लास्ट लेयर के लिए बचा के रखे हैं। ये फ्रूट्स को पूरा अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर दीजिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया, आप हर तरीके के फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हैं घर में आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास में ये अवेलेबल था इसलिए मैंने ये वाले फ्रूट्स डाले हैं। आप चाहें तो आप कोई और फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो आपके पास में अवेलेबल हैं वो आप इसमें पुडिंग में, या कोई भी घर में आ जाए आप, ये पुडिंग कितनी जल्दी बन के रेडी होती है आप हैरान रह जाएंगे कि ये फटाफट कैसे बन के तैयार हो जाती है पुडिंग, और इतनी डिलिशियस होती है खाने में कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी इतनी टेस्टी पुडिंग कैसे बन सकती है। ये मेरी पुडिंग मैंने डेकोरेट कर दिया है, ऊपर से मैंने सारे इसमें थोड़ा सा मैंने अनार भी यूज़ करा है थोड़ा इसको कलर देने के लिए। देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। अब हम इसको पूरा अच्छे से सब स्प्रेड कर दिया है मैंने, सब तरफ फ्रूट्स लगा दिए हैं, हमारी तीन लेयर्स बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए ये पुडिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको अपने फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने के लिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास में डिजिटल फ्रीज़र है तो आप उसको 14 डिग्री टेम्परेचर पे, -14 डिग्री पे आप रखिए, और अगर आपके पास में डिजिटल नहीं है तो आप 2 या 3 नंबर पर आप उसको रखिए, क्योंकि ये एकदम कड़क आइसक्रीम जैसी नहीं जमनी चाहिए, थोड़ा लूज रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये फ्रीज़र की सेटिंग बता रही हूँ। ये देखिए हमने अपने फ्रीज़र का टेम्परेचर 14 डिग्री पर सेट करना है। फोर्टीन से 15 पर आप कर सकते हैं, और हमने अपने फ्रीज़र में अभी आइसक्रीम को रख दिया है। 2 से 3 घंटे में ये पुडिंग बन के रेडी हो जाएगी। आप इसको बाहर निकालिए, देखिए ये मैंने बाहर निकाल के रखी है, कितनी खूबसूरत ये पुडिंग लग रही है। इसको काटिए, सर्व करिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब